जय गुरुदेव डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। स्टूडेंट्स, टुडे इन 12th इंग्लिश वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए चैप्टर ए रूम 10x8। विद्यार्थियों, अब हम जो हैं ए रूम 10x8 इस पार्ट को इस वीडियो से शुरू करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने काफ़ी ग्रामर के टॉपिक देखे, अब थोड़े से चैप्टर्स हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, ए रूम 10x8। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है ए रूम 10x8, इस चैप्टर में जो है मॉडर्न थिंकिंग जो है, आज की आधुनिक पीढ़ी की क्या सोच है अपने बड़े लोगों के बारे में, एक जनरेशन गैप जो आ गया है थिंकिंग में, उसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। किस तरह से एक बेटे की बहू अपने सास के प्रति विचार रखती है और आने वाले समय में वही विचार जो है उसको अपनी बहू की तरफ से देखने को मिलते हैं। पाठ को पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह से पता चलेगा क्या है इसमें। शुरू करते हैं चैप्टर ए रूम 10x8। दिस रूम माइट बी 10x8 फीट, सेड मिसेस मलिक, पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम। ये रूम जो है 10x8 का होना चाहिए, ऐसा मिसेस मलिक ने कहा। पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करते हुए, किसी की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंटिंग। तो इशारा करते हुए टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान, जो ड्राफ्ट प्लान बना हुआ था, आपको पता है किसी मकान का नक्शा बना हुआ होता है तो इस प्रकार से कुछ उसमें स्क्वायर बने हुए होते हैं जो किसी किचन रूम वगैरह को बताते हैं। तो उसने ऐसे ही किसी स्क्वायर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस रूम की साइज जो है 10x8 होनी चाहिए। लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, और ये ड्राफ्ट प्लान कहाँ पड़ा था, टेबल पर उनके सामने पड़ा था। और उसकी ओर इशारा करते हुए मिसेस मलिक बोल रही थी कि ये जो रूम है उस रूम की साइज 10x8 होनी चाहिए। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, ये तीसरी बार था जस्ट जो उन्होंने सुझाव दिया, यानी यही सुझाव वो पहले दो बार और भी दे चुकी है कि इस रूम की साइज 10x8 होनी चाहिए। द मलिक्स वर गोइंग टू सॉरी इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन ईदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज टू डिजाइन द हाउस। ऐसा लग रहा था कि इस बात की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, डिडंट रजिस्टर यानी ध्यान नहीं देना, नोटिस नहीं करना, ना तो उसके पति ने ध्यान दिया हस्बैंड, और ना ही आर्किटेक्ट जो इंजीनियर था, जो वास्तुकार था, आर्किटेक्ट वास्तुकार को बोलते हैं, वास्तुकला भवन निर्माण का विशेषज्ञ, इंगेज्ड टू डिजाइन द हाउस जो कि उस मकान का नक्शा बनाने में लगा हुआ था, दोनों ही व्यक्तियों ने उसकी इस बात की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। तो यहाँ से कन्वर्सेशन शुरू होती है पार्ट की। अब यहाँ जो है थोड़ा उसका परिचय बता रहे हैं। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक्स या मलिक्स का मतलब होता है जो मलिक उनका सरनेम है, वो पति और पत्नी दोनों, वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली, वह दिल्ली में अपना एक मकान बनाना चाहते थे। दे हैड परचेज ए प्लॉट, उन्होंने एक भूखंड, प्लॉट का मतलब क्या होता है भूखंड, उन्होंने परचेज यानी खरीद लिया था, हैड परचेज खरीद चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन समटाइम्स एगो। मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी यानी सबसे बढ़िया कॉलोनी में ऑफ द टाउन्स, उस कस्बे की, समटाइम्स एगो कुछ समय पहले। यानी मलिक अपना मकान बनाना चाहते थे दिल्ली में और इसके लिए उन्होंने एक प्लॉट भी खरीद लिया था उस कस्बे की एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी में। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, और अब जब वे पुनः दिल्ली में पदस्थापित हो चुके थे, दे थॉट उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि उन्हें अब अपना मकान
जो कि बनाने का विचार कर रही थी वो बना देना चाहिए। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेस मलिक ऑल्सो डिसाइडेड, मन ही मन, हार्ट्स ऑफ हार्ट्स का मतलब क्या होता है, मन ही मन, मन ही मन मिसेस मलिक भी तय कर चुकी थी, क्या तय कर चुकी थी, दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि जब ये मकान पूरा हो जाएगा, वी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, हम दिल्ली में फिर से रहेंगे, इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, भले ही उसका पति जो है दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाए, यानी उसके पति का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता था। और शी वॉज सिक ऑफ दियर पोस्टिंग्स, सिक ऑफ दियर पोस्टिंग्स का मतलब होता है परेशान होना, उनकी जो ये बार बार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोस्टिंग हो रही है, पदस्थापन हो रहा है, इससे वे परेशान हो चुकी थी। और मन ही मन मिसेस मलिक ने तय कर दिया था कि अब वो अपना मकान यहाँ बना देगी और अपने बच्चों के साथ यही रहेगी, भले ही उनके पति का ट्रांसफ़र हो जाए तो उनका पति इधर से उधर घूमता रहेगा, लेकिन वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, प्रत्येक दूसरे वर्ष वे नए स्थान को जाते थे। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब चूंकि बच्चे बड़े हो चुके थे, इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, डिज़ायरेबल यानी ये ठीक नहीं था, उचित नहीं था, यानी बच्चे बड़े हो चुके थे और अब उनके लिए ये ठीक नहीं था कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनको डाला जाए, यानी जैसे ही मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र होता उन्हें उन बच्चों की स्कूल छोड़ा के दूसरे स्कूल में डालनी पड़ती। पहले बच्चे छोटे थे तो ये काम ठीक था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो चुके हैं और बार बार उनका स्कूल बदलना अच्छा नहीं था और वे अपनी माँ के साथ एक स्थान पर रह सकते थे, इसीलिए मिसेस मलिक ने तय कर दिया कि उनके पति का भले ही स्थानांतरण हो जाए लेकिन वे अब इस स्थान को नहीं छोड़ेंगी। मिसेस मलिक सैड, मिसेस मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, यहाँ ही किसके लिए आया है, मिस्टर मलिक के लिए, अगर वह चाहे तो, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, मिस्टर मलिक अकेले जा सकते हैं, सी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, परमानेंटली का मतलब था स्थायी रूप से, और सेटल डाउन यानी वहाँ पे स्थापित हो जाना, निवास कर लेना, तो वह यानी मिसेस मलिक पूरी तरह से स्थायी रूप से दिल्ली में ही निवास कर देगी विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, सी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और उनकी सासू माँ जो है वो उनका सहयोग करने के लिए उनके साथ हैं। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को भी इसमें किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं थी। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, आपत्ति होना, परेशानी होना, तो मिसेस मलिक, मिस्टर मलिक को भी इसमें कोई परेशानी नहीं थी। तो इस तरह से अब उन्होंने तय कर लिया, उन्हें जो है मकान जो कि वो पहले विचार कर चुके थे, जिसके लिए उन्होंने भूखंड ले लिया है, अब उस मकान का निर्माण वो करवाने वाले थे और इसके लिए सारा उन्होंने सोच लिया था। और एक आर्किटेक्ट जो है, जो कि वास्तुकला का विशेषज्ञ होता है, भवन निर्माण का कार्य करता है, उसको उन्होंने हायर कर लिया था, उन्होंने उसका मकान का नक्शा भी बना लिया था। और उस नक्शे में जो छोटा सा फेरबदल था, एक रूम को वो 10x8 फिट करना चाहते थे, उसके बारे में पूरा पाठ आया हुआ है। और ये जो रूम का इस चैप्टर का जो शीर्षक आया हुआ है, ए रूम 10x8 फिट, ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही गुड संदेश लिए हुए हैं, जो आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। दिस रूम माइट बी 10x8 फिट, मिसेस मलिक रिपीटेड, मिसेस मलिक ने फिर से वही बात कही कि इस कमरे की साइज 10x8 फिट होनी चाहिए। रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट का मतलब होता है आसपास का, यानी पास में जो स्थित रूम कमरा है उसमें उसका पति जो है किसी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहा था जब मिसेस मलिक ने ये बात कही। बट दिस इज ए स्टोव, अब जो आर्किटेक्ट था, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक, इंजीनियर ने जो है मिसेस मलिक को कहा, लेकिन ये तो स्टोर यानी भंडार घर है, स्टोर का मतलब क्या होता है, भंडार घर, जहाँ वस्तुओं का भंडारण किया जाता है, वस्तुएं रखी जाती है। तो जब मिसेस मलिक ने कहा कि इस कमरे की साइज 10x8 फिट होनी चाहिए, और आर्किटेक्ट ने ये कहा कि ये तो स्टोर रूम है जिसकी साइज बहुत छोटी होती है, यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज एज स्टोर रूम। अब यहाँ मिसेस मलिक अपने मन की बात बताती है, वो क्या कहना चाहती थी, यस हाँ बट आई थॉट मैं ये सोचती हूँ इट कुड बी माई मदर्स इन लॉज रूम, ये मेरी सासू माँ का कमरा हो सकता है। मदर इन लॉज का मतलब क्या होता है, सासू, सास,
एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में, यहाँ उसके बाद में का क्या अर्थ है, उनके मरने के बाद में। इट माइट बी यूज एज स्टोर रूम, इसको स्टोर रूम में काम में लिया जा सकता है। तो वो इसकी साइज क्यों बड़ा करना चाहती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी सासू माँ उस कमरे में रहे, और जब सासू माँ ऊपर चली जाए यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब जो है इस कमरे को स्टोर रूम के लिए काम में लिया जाएगा। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट को बात पता नहीं चली, इंजीनियर को बात मालूम नहीं चली भी क्या कहना चाहती है वो। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, वह जो है थोड़ा असमंजस में पड़ रहा था मिसेस मलिक के इस प्रकार के तर्क को सुनते हुए, उसे मालूम नहीं चल रहा था वो क्या कहना चाहती है। आई मीन, मेरे कहने का मतलब है, माई मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ कुड यूज द रूम, इस कमरे का उपयोग ले सकती है फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान में। एज यू नो सी इज ओल्ड एंड इनफर्म, इनफर्म का मतलब क्या होता है, दुर्बल होना, क्षीण होना, यानी किसी प्रकार की शक्ति नहीं होना शरीर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो बूढ़ी है और कमजोर है, सी इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, वह नहीं रहने वाली है वहाँ आगे कहके, आफ एंड आफ्टर हर, इसके बाद में, इट कुड बी कन्वर्टेड इंटू स्टोर रूम, इसको स्टोर रूम में बदला जा सकता है। मिसेज मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली, हॉल्टिंगली का मतलब होता है रुकते हुए, यानी आप किसी बात को स्पष्ट रूप से नहीं बोलना चाहते, थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं, थोड़ा बात को, भाव को छिपाते हुए बोलते हैं। तो मिसेस मलिक क्या है, उसके मन में कहने की बात तो ये थी कि भाई मेरी सासू माँ जो है दुर्बल है, कमजोर है, बूढ़ी हो चुकी है, और वो ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाले नहीं हैं, तो अभी इस रूम को थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि उनके लिए काम आ जाएगा, और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी तो बाद में मैं इसको स्टोर रूम के रूप में काम में ले सकती हूँ। लेकिन इस बात को उसने बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा, थोड़ा रुकते हुए, थोड़ा हिचकिचाते हुए, और वास्तविक भाव को छिपाते हुए इस बात को बोला। मिस्टर मलिक जॉइन देम, अब मिस्टर मलिक जो कि पास के कमरे में टेलीफोन पर बात कर रहे थे, वो वहाँ आ गए। इट सीम्ड व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, ऐसा लगता है, सिम्स का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना लगना। व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, जब टेलीफोन पर बात कर रहे थे, ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, उन्होंने भी जो है इस सुझाव पर अपना विचार कर लिया था, यानी जो सजेशन दिया जा रहा है कि कमरे की साइज 10x8 feet होनी चाहिए, इस सजेशन पर बात करते करते मिस्टर मलिक ने भी विचार कर लिया था कि क्या कहना है। ही टू, वह भी, वॉस ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, वह भी इस विचार से सहमत थे कि स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, कि स्टोर रूम जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हालांकि मिस्टर मलिक का जो वे था सोचने का, वो ये था कि भाई जो भंडार कक्ष होता है उसमें थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बड़ी जगह होनी चाहिए। वो ये नहीं सोच रहे थे कि उनकी माँ जो है, उनकी माँ इस रूम को काम में लेगी और उनकी मृत्यु के बाद में इसको स्टोर रूम बनाया जाएगा। वो इस स्टोर रूम को बड़ा क्यों करना चाहते थे, उनके पीछे उनकी क्या धारणा थी, यहाँ वो बता रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर, यह हमेशा ठीक रहता है टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, थोड़ा ज़्यादा जगह वाला भंडार कक्ष होना, सो दैट, जिससे कि, अब वो ऐसा क्यों चाहते थे, वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, जो वहाँ संदूक होते हैं, अलमारी होती है, कोई भी सामान होता है, उनको कैन मूव फ्रीली, आसानी से उनको इधर से उधर ले जाया, घुमा सके, इधर उधर रखा जा सके, इसलिए वो चाहते थे कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जबकि मिसेस मलिक ऐसा क्यों चाहती थी कि स्टोर रूम बड़ा होना चाहिए, उनकी ये सोच थी कि इस कमरे को अभी क्या कर देंगे, सासू माँ के लिए रख देंगे, और उनकी मृत्यु के बाद इस कमरे को मैं स्टोर रूम के रूप में काम में ले लूंगी। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और दूसरा तर्क वो क्या देते हैं बड़े कमरे के लिए, इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट, ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा टू कीप इट टाइडी, इसको साफ सुथरा रखना। टाइडी का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा रखना, क्लीन करना, तो ज़्यादा आसान रहता है इसको साफ सुथरा करना, क्योंकि कोई भी सामान पड़ा होता है तो उसको इधर से उधर सरका के वहाँ नीचे से साफ किया जा सकता है। तो इस विचार के साथ मिस्टर मलिक चाहते थे कि कमरे की साइज जो है 10x8 होनी चाहिए, और मिसेस मलिक इस विचार के साथ चाहती थी कि कमरे की साइज 10x8 feet होनी चाहिए, कि उनकी सासू माँ अब इस कमरे को काम में लेगी और उनकी मृत्यु के बाद मैं इस कमरे को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दूंगी। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8 feet। अब ये तय हो गया, एडजेसेंट का मतलब होता है पास में, यानी किचन के साथ लगा हुआ जो कमरा है उसकी साइज 10x8 feet होगी, ये बिल्कुल तय हो गया। क्यों? क्योंकि मिस्टर मलिक भी इसके लिए सहमत थे और मिसेस मलिक भी सहमत थी।
कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोवर। अब ये जो कमरा बड़ा करेंगे इससे क्या होगा, कोर्टयार्ड यानी आंगन वुड बी ए लिटिल नैरोवर, थोड़ा सा सकड़ा हो जाएगा, बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, और बाकी दूसरी चीज़ें तो पहले ही तय हो चुकी थी। एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल ऑफ द कॉरपोरेशन, अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति, और कॉरपोरेशन का मतलब होता है निगम। तो ये प्लान जो है नगर निगम की स्वीकृति के लिए पहले ही भेजा जा चुका था, क्योंकि बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पे कभी मकान बनाया जाता है तो मकान बनने से पूर्व उसका जो नक्शा है उसको नगर निगम से अप्रूव कराना होता है। तो ये चीज पहले ही की जा चुकी थी, बाकी सारी बातें पहले ही तय हो चुकी थी। बस ये किचन के पास वाला जो रूम है एडजेसेंट टू किचन, इस कमरे की साइज जो है वो डिसाइड करनी थी, और वो साइज अब डिसाइड हो गई कि 10x8 feet इसकी साइज होनी चाहिए। और आपने समझ लिया होगा कि मिस्टर मलिक 10x8 feet क्यों चाहते थे, क्योंकि वो कमरा जो स्टोर रूम का कमरा है वो बड़ा चाहते हैं, ताकि साफ सफाई आसानी से हो सके, सामान इधर से उधर आसानी से सरकाया जा सके। और मिसेस मलिक जो उनकी पत्नी थी वो क्यों चाहती थी कि ये 10x8 feet हो, क्योंकि ऐसा करने से वह कमरा अभी उनकी सासू माँ के लिए काम में आ सकता है, उनकी सासू माँ के लिए उनको अलग से कमरा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसेस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन, अनटायरिंग इंटरेस्ट, अनटायरिंग यानी बिना थके वाली रुचि, यानी जो ये निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्माण कार्य, जो ये निर्माण कार्य चल रहा था, अब शुरू हो गया मकान का निर्माण, और उसमें जो मिसेस मलिक बहुत ज़्यादा रुचि लेती थी, बिना थके उसमें अपना सहयोग देती थी। कंस्ट्रक्शन द हाउस यानी मकान के निर्माण के समय मिसेस मलिक जो है पूरी तरह से बिना थके हुए रुचि ले रही थी। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, आप उसको दिन भर जो है अपने छाते के साथ उस साइट यानी उस स्थान पर जो है देख सकते थे। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, सुपरवाइज का मतलब निरीक्षण करना, परीक्षण करना, प्रत्येक वर्णन का या नक्शे में जो जो बात बताई गई है वो कैसे बन रही है या नहीं बन रही है, इस बात का अच्छी तरह से वो निरीक्षण करती थी। एट टाइम्स शी वुड गिव ए हैंड टू द मैसन्स एंड अदर्स, एट टाइम्स यानी कभी कभी शी वुड गिव ए हैंड, गिव ए हैंड का मतलब होता है सहायता करना, क्या होता है, सहायता करना, काम में मदद करना। तो मिसेस मलिक जो है काम में मदद भी करती थी, किसके काम में, टू द मैसन्स, मैसन्स बोलता है कारीगर को जो चूना पत्थर आदि का काम करता है, एंड अदर्स और दूसरे लोगों की, यानी दूसरे लोगों का, कारीगरों का वो जब जरूरत पड़ती तो सहयोग भी करती थी, कुछ सामान उनको देना है, कुछ काम उनके लिए करना है तो वो भी करती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, शी वॉज द फर्स्ट, वह पहली होती थी टू अराइव, जो कि पहुंचती थी एट द कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण के स्थान पर, यानी जहां उनका मकान बन रहा था, जब कारीगर लोग आते थे, काम करने वाले लोग आते थे, उनसे पहले ही वो वहां पर पहुंच जाती। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और जब सारे जा चुके होते थे उनके बाद में वो रवाना होती थी। तो इस तरह से सबसे पहले वहां पर जाना और सबसे अंत में वहां से रवाना होना, इस बात से पता चलता है कि मिसेस मलिक जो है उस मकान को बनाने में कितनी ज़्यादा रुचि ले रही थी। सी एंश्योर्ड दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, एंश्योर यानी आश्वस्त होना, वह इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त होती थी कि वहाँ पर किसी प्रकार का वेस्टेज नहीं हो सामग्री का, यानी सामग्री बर्बाद नहीं हो, इसके लिए वो बिल्कुल ध्यान रखती थी। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, डिड नॉट आइडल अबाउट का मतलब काम चोर नहीं होना, आराम नहीं करना या फालतू बैठे नहीं रहना, यानी वो इस बात का भी ध्यान रखती थी, कहीं कोई मजदूर है, कहीं कोई लेबर जो है वो फालतू नहीं बैठा है, टाइम पास तो नहीं कर रहा है। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है ज़्यादा लंबा नहीं चला बल्कि कम समय में ही द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, मकान पूरा हो गया। इसका मकान मिसेस मलिक एंड मिस्टर मलिक का, जो कि दिल्ली में बनना था, वो मकान अब बन के तैयार हो चुका था। और इस मकान को बनाने में सबसे ज़्यादा रुचि किसने ली थी, मिसेस मलिक ने, उसका वर्णन बता दिया किस तरह से वो रुचि लेती थी, दिन भर छाता पकड़े वहाँ खड़ी रहती, कारीगरों की मदद करती, सबसे पहले साइट पे जाती, सबसे लास्ट में वहाँ से आती, और वो ये देखती कि भाई सामान की किसी प्रकार से बर्बादी नहीं हो रही है, ये देखती कोई मजदूर या कारीगर जो है फालतू तो नहीं बैठा है, और इस प्रकार से रुचि लेते हुए मकान का निर्माण धीरे धीरे कम्प्लीट हो गया, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा। मिसेस मलिक इंसिस्टेड, अब मिसेस मलिक ने दबाव दिया, जोर दिया, दैट
शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वह इस मकान के लिए बिल्कुल नया फर्नीचर बनाएगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी पुराना कोई भी सामान जो है वो इस मकान में, नए मकान में जाए। नॉट ए पीस ऑफ इट, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं, यानी बिल्कुल नया फर्नीचर वो उस मकान के लिए बनाना चाहती थी। दे वर स्टिल इन द मिड्स ऑफ द प्लान्स टू शिफ्ट, वे अभी भी बीच में ही थे उस योजना के बीच में टू शिफ्ट, स्थानांतरित करने में अपने मकान में। वैन दे लर्न दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, एक्वायर्ड यानी अधिकृत करना, अधिग्रहित करना, बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा, सरकार ने उनके मकान को किराए पर ले लिया था। यानी एक्वायर्ड, वे अपने मकान में जाने की योजना बना ही रहे थे कि अब हमारा मकान बन गया है, अब हमें वहां पे प्रवेश करना है। और इसी बीच जो है दे लर्न्ड, उन्हें पता चला, उन्हें मालूम हुआ दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड, कि मकान को अधिग्रहित किया जा चुका है बाय द गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा। मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस, मिसेस मलिक को बहुत गुस्सा आया। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड, जब मिस्टर मलिक ने बताया द रेंट असेस्ड, किराया जो कि बहुत ज़्यादा था, सी क्वाइटेंट डाउन, वह बिल्कुल चुप हो गई। यानी मिस्टर मलिक ने उसको सूचना दी कि हमारे मकान को सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। एक बार तो मिसेस मलिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मिस्टर मलिक ने कहा किराया भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वो चुपचाप हो गई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब मकान का निर्माण का वो निरीक्षण कर रही थी, सी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, कल्टिवेटेड यानी विकसित होना, स्थापित होना, विकसित होना, उत्पन्न होना, तो उनके मन में प्रेम विकसित हो चुका था, स्नेह विकसित हो चुका था फॉर हर नेबर्स, उसके पड़ोसियों के लिए। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उन्होंने उस कॉलोनी में सहेलियाँ भी बना ली थी। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, और उसने उस मकान के लिए बहुत सारी योजनाएं बना ली थी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, अब उसे सब कुछ भूलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मकान को किसने ले लिया था? सरकार ने, सरकार ने मकान का अधिग्रहण कर लिया था। देन, और तब क्या हुआ? दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, वे दिल्ली से ट्रांसफर यानी स्थानांतरित हो चुके थे। मिसेस मलिक वॉज हैप्पी, अब जो ही उनका स्थानांतरण हुआ, मिसेस मलिक खुश हुई। क्यों हुई? पहले तो वो गुस्सा कर रही थी कि मेरे पति का बार बार ट्रांसफर होता है, मुझे इधर से उधर जाना पड़ता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, बच्चों का स्कूल छुड़ाना पड़ता है। तो अब ऐसी क्या बात हुई कि वो खुश हुई? उसका रीजन आ गया रहा है, सी वुड नो मोर सी हर हाउस, रिग्रेट नॉट बींग एबल टू लिव इन इट। सी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब उसे अपने मकान को बार बार ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, और देखकर क्या होता है उसको, रिग्रेट, दुख होता था, नॉट बींग एबल टू लिव इन इट, कि वह उसमें रह नहीं सकी। तो उसे खुशी इस बात की थी कि अब मैं दिल्ली में रहती तो बार बार मुझे उस मकान की याद आती, मैं मकान की ओर जाती तो मैं ये सोचकर अफसोस करती कि मेरे मकान में मैं रह भी नहीं सकी, और सरकार ने इसे ले लिया, तो अब जब दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएंगे तो वहाँ उसे बार बार मकान की याद नहीं आएगी, इसलिए वो क्या थी, खुश थी। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, सब्सटेंशियल रेंट यानी भारी भरकम जो किराया आ रहा था उसके बारे को, उसके बारे में सोचते हुए वो खुश थी। फील कंसोल्ड, और संतुष्ट भी थी। कंसोल का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना, सांत्वित होना। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हुए, दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स, उन्हें और बहुत सालों इंतजार करना पड़ा, फॉर अनदर टर्न टू पोस्टिंग इन दिल्ली, जब उनकी बारी दूसरी बार वापस फिर से दिल्ली में पदस्थापित होने की आई। यानी उनके पति का बार बार ट्रांसफर होता गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर, काफ़ी साल बीत गए और काफ़ी सालों बाद उसके पति को मौका मिला दिल्ली में ट्रांसफर होने का। इन द मीनवाइल, और इस बीच ये जो समय था एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने वाला, मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे, मिसेस मलिक की मदर इन लॉ जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, चली गई। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी पुत्री की शादी हो चुकी थी। इन ए वे दे वर लकी, एक तरीके से वे खुश थे दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनका मकान जो है सरकार को किराए पर दिया गया है। प्राइवेट टेनेंट्स, टेनेंट्स का मतलब क्या होता है? किराएदार, टेनेंट्स यानी किराएदार, और प्राइवेट यानी जो निजी, यानी हम किसी किराएदार को अपने घर पर रखते हैं तो वो प्राइवेट किराएदार हो गए। आर सच ए हेडेक, उनको रखना बहुत परेशानी वाली बात है। देर इज नो एंड टू दियर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, क्यों?
क्योंकि उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो मांग है, कभी समाप्ति नहीं होती है। कभी कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते हैं कि आपके घर में ये समस्या आ गई, यहाँ टूट फूट हो गई, या ये नया बनवा दो, ये कुछ करवा दो। इस तरह से वो क्या करते थे, डिमांड करते रहते थे। लेकिन उनको संतुष्टि थी कि उनका मकान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया, बल्कि सरकारी सरकार को दिया गया, तो उन्हें बिल्कुल भी मानसिक रूप से परेशानी नहीं थी। एंड देन और तब देवर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। अब यहाँ प्राइवेट किराएदार की और क्या समस्या है, दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, और वह समय पर किराए का भुगतान भी नहीं करते हैं। तो ये उन्होंने क्या बताई, प्राइवेट किराएदार की कमी। एक तो हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि भाई हमारे आपका जो मकान है उसमें ये बनवा दो, ऐसा कर दो, या फिर किसी प्रकार की शिकायत करते रहते हैं कि यहाँ पे ये टूट फूट हो गई, ये चीज़ काम नहीं कर रही है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन और इससे बड़ी बात क्या है कि वे समय पर किराए भी इरेगुलर इन द पेमेंट, यानी नियमित रूप से पेमेंट या किराया पेमेंट ऑफ रेंट यानी किराए का भुगतान भी नहीं करते। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विसेंड बाय द गवर्नमेंट, द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू दियर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली। मिसेस मलिक का मकान किसके द्वारा लिया गया था, सरकार के द्वारा। रिक्विसेंड यानी अधिग्रहित करना, तो सरकार ने उसको अधिग्रहित किया था। द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू दियर बैंक अकाउंट, और जो किराया है वो उनके बैंक के खाते में सीधा जमा हो जाता है एवरी मंथ रेगुलरली, प्रत्येक महीने नियमित रूप से। तो इस कारण से वो बहुत खुश थी। ओनली दियर सन रिमेंड टू बी मैरिड नाउ। अब देखो जो स्थिति बता रहे थे कि उनके सासू की देहांत हो चुका था, उसकी पुत्र की शादी हो चुकी थी, अब उसके पुत्र की शादी होनी बाकी थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड। मिस्टर मलिक ने क्या सोचा कि जब वो रिटायर होंगे उससे पहले पहले वह अपने पुत्र की शादी कर लेंगे। डियर सन हैड बीन मैरिड, और एक समय ऐसा आया जब उनके पुत्र की भी शादी हो चुकी थी। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, अब मिस्टर मलिक जो है अपनी सेवा से मुक्त हो चुके थे। बट दियर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज बाई द गवर्नमेंट, यानी इतना समय बीत चुका लेकिन उनका मकान अभी भी सरकार के द्वारा मुक्त नहीं किया गया, सरकार ने उसको छोड़ा नहीं। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव विद दियर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस। अब मजबूरी ये हो गई कि सरकार ने उनका मकान लिया लेकिन अभी तक छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, तो मजबूरी में मिस्टर और मिसेस मलिक, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू, वो रेंटेड हाउस यानी किराए के मकान में रहते थे रिटायर होने के बाद भी। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस वेन इज एंड कैम, यानी मिस्टर मलिक जब मरे तब तक वो जो है सरकार से लड़ते रहे, यहाँ है ना फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, यानी शायद हो सकता है उन्होंने कोई केस भी किया होगा, कोई डिमांड भी की होगी कि हमारा मकान जो है अब आप छोड़ दीजिए, हम आपको किराए पर देना नहीं चाहते, और इसके लिए वो प्रयास करते रहे। और प्रयास करते करते ही उनकी मृत्यु हो गई। ही पास्ड अवे विदाउट बींग एबल टू लिव इन दिस हाउस इवन फॉर ए डे, और इस मकान में एक दिन भी रहे बिना वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी मकान तो उन्होंने बनाया, सरकार ने ले भी लिया, लेकिन उनको मिस्टर मलिक को एक दिन का भी सुख नहीं मिला कि वो उस मकान में रह सके। नाउ विद इन 3 मंथ्स द हाउस वॉज डी रिक्विसेंड, और उनके 3 महीने के अंदर अंदर उस मकान को डी रिक्विसेंड यानी कि वापस अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया। जो अधिग्रहण था, अधिग्रहण से उसको क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। तो क्या हुआ, न तो उसकी सासू उस मकान में रह सकी, न उसकी बेटी उस मकान में रह सकी, न उसके पति उस मकान में रह सके। उनकी पति की मृत्यु हो गई, उसके 3 महीने बाद सरकार ने उस मकान को उनके लिए मुक्त किया। विद्यार्थियों, शेष जो पाठ का भाग है हम अगले वीडियो में देखेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे उनको आपको सॉल्व करना है। थैंक्स। जय गुरुदेव।